नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। लवकुश नगर थाना क्षेत्र के पठा चौकी के अंतर्गत रहने वाले कुछ ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुलिस पर ही शराब के नशे में मारपीट के आरोप लगाए हैं। पठा निवासी नरेंद्र कुमार राजपूत, दुर्गपाल सिंह राजपूत, कृष्ण कुमार, रामजीवन कुशवाहा, चिंताहरण राजपूत, चंद्रभान और पन्नालाल ने शिकायती आवेदन देते हुए बताया कि 6 नवंबर की शाम को लगभग 5 बजे दुर्गपाल राजपूत और वरदानी बैठे थे। इसी दौरान चौकी में पदस्थ आरक्षक शिवम सेन ने दुर्गपाल राजपूत से गुटखा खरीदा और जब रुपए मांगे तो आरक्षक ने गाली गलौज शुरू कर दी। इतना ही नहीं, आरक्षक ने दुर्गपाल की जेब से 5,000 रुपए भी छीन लिए और बाद में दुर्गपाल तथा उसके पड़ोसी नरेंद्र राजपूत को चौकी ले जाकर पीटा गया। मारपीट के बाद पीड़ितों को धमकी दी गई कि अगर वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की तो अवैध कट्टा और गांजे का केस लगा दिया जाएगा। जब दुर्गपाल के पिता चंद्रभान राजपूत और नरेंद्र के पिता पन्नालाल उन्हें चौकी छुड़ाने पहुंचे तो उनके साथ भी गाली गलौज की गई। सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे शिकायतकर्ताओं ने एसपी को दिए आवेदन में कहा कि राम सजीवन कुशवाहा अपने खेत में आग जला रहे थे, तभी थानेदार महेश पांडे वहां पहुंचे और गाली देते हुए किसानों से कहने लगे कि तुम्हारे खेत में जुआ होता है, और जब आरोपों को झूठा बताया तो कहा सुनी हुई और उसके बाद मारपीट भी की गई। आरक्षक शिवम सेन ने 8,000 रुपए भी छीन लिए। बताया जा रहा है कि एक अन्य व्यक्ति कृष्ण कुमार राजपूत खाद लेने जा रहा था, जिसके लिए वो अपनी जेब में 10,000 रुपए रखे था, वो भी पुलिस कर्मियों ने छीन लिए। मेरे को घर से पुलिस ने उठाया, चौकी ले गए, मारपीट की और 5,000 रुपए लेके छोड़ दिया और साथ ही में धमकी दी कि कहीं पर भी शिकायत दर्ज की तो कट्टा गांजा का केस लगा देंगे। कब की घटना है? 6 तारीख की शाम 5 बजे की। अरे ऐसा है कि सैन साहब थानेदार साहब दुकान में आए, हम बैठे थे तो सैन साहब बोले रास्त्री दो दो डॉलर, हमने रास्त्री दिए और पैसा मांगे, झड़प दिखाने लगे, हमारा तो डंडा 5,000 रुपये लगे थे। कौन है सैन साहब? इस मामले में पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा का कहना है कि पुलिस कर्मियों के संबंध में जो भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनकी जांच 48 घंटे के भीतर कराई जाएगी। अगर पुलिस कर्मियों ने किसी तरह गैर कानूनी कार्रवाई की है तो उनके विरुद्ध सख्त एक्शन लिया जाएगा। छतरपुर जिले के थाना लवकुश नगर अंतर्गत चौकी पठा से कुछ लोग आए थे, जिनके द्वारा ये बताया गया कि दिवाली के अगले दिन कुछ पुलिस अधिकारियों के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। ऑन रिकॉर्ड बात यह है कि काफ़ी डायलेट इवेंट्स आए थे, पुलिस वहां पे बार बार गई थी और आपस में भी जो लड़ाई झगड़े हुए हैं उसमें जो पठा चौकी है और जो उसका गांव है उसमें FIR हुई है। पर जो भी आरोप लगाए गए हैं उसमें हम टाइम बाउंड मैनर में 48 घंटे में यदि किसी को गलत कारण से थाने बिठाया गया है, चौकी बिठाया गया है, तो जो भी दोषी अधिकारी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों से अपडेट बने रहने के लिए जुड़े रहिए पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, साथ ही साथ फेसबुक पेज पर जाकर लाइक करें, फॉलो करें और लगातार अपडेट बने रहें खबरों से। नमस्कार।